बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो आपका नेक्स्ट जनरल साइंस एंड पॉलिटी का पास पेपर ऑब्जेक्टिव जो सॉल्यूशन के साथ है वो है ईयर 2001। इससे पहले 2000 सेशन का की वीडियो जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है चैनल पे, और अब जो है वो 2001 का है। ये बेसिकली फिल इन द ब्लैंक थी जो 20 आई हुई थी 2001 के पेपर में, जिसको हम बारी बारी देखते हैं। पहला था द पर्पस ऑफ कंप्यूटर इज डैश। कंप्यूटर जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसका पर्पस क्या है, तो वो पर्पस है, वो लिखा हुआ है आपके सामने, टू प्रोसेस द डाटा अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शंस के सेट के मुताबिक, इंस्ट्रक्शंस जो दी गई हैं उसके मुताबिक जो डाटा है उसको प्रोसेस करना, ये कंप्यूटर का काम है। उसके बाद पोलियो इज़ कॉज्ड बाय, ये अस लिखा हुआ है गलत है, पोलियो इज़ कॉज्ड बाय ये पहले भी आया हुआ है, तो वो है वायरस। पोलियो किस वजह से कॉज होता है, पोलियो वायरस की वजह से कॉज होता है। नेक्स्ट द स्टेलेगमाइट इज डिपॉजिट ऑफ, आप ज़रा याद करें कि स्टेलेगमाइट किस चीज़ का डिपॉजिट है, ये कैल्शियम कार्बोनेट का डिपॉजिट है। उसके बाद अगला है बॉक्साइट। बॉक्साइट एक ओर का नाम है, ओर और मिनरल, जियोग्राफी जो जियोग्राफी वाला पोर्शन है उसमें जो बॉक्स डिफरेंट तरह की जो एलिमेंट्स हैं उनके ओवर्स और मिनरल्स हैं, तो जो बॉक्साइट है वो किसका है, वो एल्युमिनियम की ओर है। एल्युमिनियम एक एलिमेंट है, उसकी जो ओर है वो बॉक्साइट है। उसके बाद वॉशिंग सोडा का केमिकल नाम क्या है, केमिकल दी केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा इज, इसका आंसर था सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट जो है वो वॉशिंग सोडा का केमिकल नाम है। द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ सुई गैस इज मीथेन। जो सुई गैस आप यूज़ करते हैं डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए, हाउस गैस जो होती है घर में आती है जो गैस, उसका जो मेन कंस्टिट्यूएंट है, मेन एलिमेंट है, वो है मीथेन। उसके बाद डैश कलर हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फॉलोइंग, मतलब सॉरी इसमें कौन से ऐसे कलर्स हैं जो 7 बेसिक या प्राइमरी कलर्स ऑफ लाइट हैं, उनमें से जो सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है वो वॉयलेट की है। तो उसके बाद ग्लास इज़ अ डैश सॉलिड, ग्लास इज एमॉर्फस सॉलिड, ग्लास एक एमॉर्फस सॉलिड्स की 3 टाइप्स हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक अमॉर्फस सॉलिड और एक जो है वो पॉलीमेरिक सॉलिड होता है। तो ग्लास जो है वो ये अमॉर्फस सॉलिड की एक एग्जांपल है, जिसे सुपर कूल लिक्विड भी कहा जाता है। मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन आर, जो प्रोटीन है ये एक पॉलीमर है और ये 3 छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बनी है अमाइनो एसिड से, यानी कि अमाइनो एसिड्स आर मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन। उसके बाद नेक्स्ट था एस्कॉर्बिक एसिड इज़ अ विटामिन, कौन सा विटामिन है एस्कॉर्बिक एसिड, इसे रिलेटेड सी, इसे रिलेटेड जो है 2000 सेशन में, जिससे पिछला सेशन था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद गिया 11, टोटल 20 थे जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया। द सोलर सिस्टम हैज़ डैश प्लैनेट्स, सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स होते हैं, सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, क्योंकि प्लूटो को उन्होंने प्लैनेट से निकाल दिया है, प्लैनेट की लिस्ट से ड्वार्फ प्लैनेट का नाम दे दिया है, तो फिलहाल जो हमारे पास प्लैनेट्स हैं वो 8 प्लैनेट्स हैं। उसके बाद एड्स इज कॉज्ड बाय वायरस, एड्स भी HIV वायरस है, ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस, तो एड्स भी जो है वो एक वायरस की वजह से कॉज होती है। उसके बाद नेक्स्ट है इन अ नॉर्मल रेस्टिंग पर्सन, जब एक बंदा सिंपल नॉर्मल रेस्टिंग पोजीशन में होगा तो उसकी रेट ऑफ हार्ट बीट क्या होगी, उसका जो दिल के धड़कने का रेट है वो क्या होगा,
वो होगा 72 टाइम्स पर मिनट, एक मिनट में यानी कि 60 सेकेंड्स में वो 72 दफ़ा धड़केगा। उसके बाद 14th है द साइंस विच डील विद द हेरिडिटी, यानी विरासत के साथ साइंस की वो ब्रांच जो डील करती है उसका नाम है जेनेटिक्स या जेनेटिक्स, जो भी पढ़ लें। जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस या ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द हेरिडिटी। उसके बाद नेक्स्ट है इन पाकिस्तान कॉपर मिनरल इज फाउंड इन सेंडक। सेंडक वो जगह है जहाँ पर पाकिस्तान में कॉपर मिनरल पाई जाती है। उसके बाद 16th है द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ्स क्रस्ट। ये लास्ट टाइम भी आया हुआ है कि अर्थ्स क्रस्ट की जो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है वो क्या है, ऑक्सीजन। उसका नाम है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। उसके बाद नेक्स्ट है डैश इज एन अपरेटस यूज्ड फॉर मेजरिंग द प्रेशर ऑफ गैस। कौन सा प्रोसेस है जो कि प्रेशर ऑफ गैसेस को मेजर करने के लिए यूज होता है, तो उसका नाम है मैनोमीटर। मैनोमीटर इज एन ऑपरेटस यूज्ड फॉर मेजरिंग द प्रेशर ऑफ गैसेस। उसके बाद नेक्स्ट है 18th द स्मॉलेस्ट ब्रांचेस ऑफ आर्टरी लीड इनटू द टाइनी ब्लड वेसल्स आर कॉल्ड। जब आर्टरीज मज़ीद डिवाइड हो जाती हैं और वो टाइनी ब्लड वेसल्स में चली जाती हैं तो उनकी जो छोटी छोटी ब्रांचेस बनती हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज छोटी छोटी आर्टरीज होती हैं जो कि मतलब छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं आर्टरी की, जब वो ब्लड वेसल्स के अंदर दाखिल हो जाती हैं तो उसको हम कहते हैं द लिविंग पार्ट ऑफ प्लांट सेल्स। और यहाँ पे पार्ट है द लिविंग पार्ट ऑफ प्लांट सेल इज कंपोज्ड ऑफ अ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस से जो लिविंग पार्ट ऑफ प्लांट सेल है वो बनता है। ये पास्ट नहीं है, ये पार्ट है। ये यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुई है। द फास्टेस्ट रिवॉल्विंग प्लैनेट, जो सबसे ज़्यादा फास्ट रिवॉल्व करता है, जो 8 प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम हैं उनमें जो सबसे फास्टेस्ट रिवॉल्व करता है प्लैनेट, उसको हम कहते हैं मरकरी। मरकरी एक ऐसा प्लैनेट है जो कि सबसे ज़्यादा फास्ट रिवॉल्व करता है। तो ये हो गए हमारे 20 क्वेश्चंस फ्रॉम 2001 CSS।